पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद का मानना है कि एशिया कप में चिर प्रतिद्वंदी टीम इंडिया के खिलाफ दूसरा लीग मैच उनकी टीम के लिए टूर्नामेंट में आगे की लय तय कर देगा। पाकिस्तान एशिया कप में अपना पहला मैच 16 सितंबर को हांगकांग के खिलाफ दुबई में खेलेगा और फिर 19 सितंबर को भारत से भिड़ेगा। सरफराज ने कहा कि हमारी तैयारियां बहुत अच्छी हैं, हमें यूएई में जो 4 दिन मिलेंगे हम उनका भरपूर उपयोग करने की कोशिश करेंगे। भारत के खिलाफ हर मैच काफी ज्यादा अहम होता है, टूर्नामेंट में हमारा पहला बड़ा मैच होगा और हम इससे लय हासिल करने की कोशिश करेंगे। हम भारत के खिलाफ खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार होने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा है कि बड़ी प्रतियोगिताओं में लय बहुत महत्वपूर्ण होती है और यहाँ भी लय अहम होगी। टीम का मनोबल ऊंचा है, इसलिए हम पहले मैच में लय हासिल करके उसे आखिर तक बनाए रखने की कोशिश करेंगे। अधिकतर घरेलू सीरीज यूएई में खेलने के कारण सरफराज वहां की परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप वहां की पिचों पर गौर करो तो वो धीमी होती है, इसलिए स्पिनरों की भूमिका काफी ज्यादा अहम हो जाएगी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।